हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट न्यूज क्लास। देखिए, आप लोगों का स्टूडेंट आईडी जो भी वेट कर रहे थे न्यू जून सेशन का, जिनका वार लेटर रिलीज हुआ है फॉर एनएफएससी मेन एंड एनएफओबीसी के लिए, उनका स्टूडेंट आईडी रिलीज कर दिया गया है। और आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे, हाउ टू डाउनलोड योर स्टूडेंट आईडी फॉर न्यू सेशन, स्टेप बाई स्टेप आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, तो जस्ट कम टू द ब्राउजर, एनी ब्राउजर। आई एम ओपन गूगल क्रोम ब्राउजर। देखिए, फर्स्ट है कि कैन्ना स्कॉलर पोर्टल लॉगिन ओपन किया, तो फर्स्ट लिंक आपको ASFMP मिला। आप क्लिक करके डायरेक्ट ASFMP करोगे सर्च, सेम आओगे आपको, मींस स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल है ये, आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का देखिए, जो पहले से जो लॉगिन है वो ये दिखाता है, लेकिन आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, तभी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद फाइंड स्टूडेंट आईडी को आप लोग पता लगा सकते हैं, अपना सर्च करते हैं कि आपका आया या नहीं। अगर आ गया है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये फाइंड स्टूडेंट जाने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो स्कीम में आने के बाद देखिए, अभी मेनली रूप से जो मीडियो अभी डिस्कवर कर रहा हूँ वो NFSC और मैन NFOBC और JRF के लिए रिगार्डिंग होती है। तो देखिए, जो SC रिगार्डिंग है, नेशनल पॉलिसी फॉर SC, क्योंकि तो ये NFSC के लिए जो कैंडिडेट होंगे वो सिलेक्ट करेंगे, मैन वाले मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप पर सिलेक्ट करेंगे, और जो JRF हैं, जो नेट JRF फेलोशिप, जो कि अभी रिजल्ट आने के बाद उनका आने वाला है, ये क्लिक करेंगे। और जो NFOBC है, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास है, वो क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह आप क्लिक करेंगे। अभी जो न्यू एनरोलमेंट आईडी आया है उनके हिसाब से अभी तो मेरे पास किसी का आईडी नहीं है, बट अगर आप जैसे आप नाम सर्च करना चाहते हो, मान लो कि आप यहाँ नंबर दे देते हैं और आप सिर्फ नंबर से ही, अगर रजिस्टर नंबर आपको याद है तो सिर्फ आप इससे ही सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इतना सारा, मतलब ये आप लोगों का रजिस्टर, मतलब स्टूडेंट आईडी है जो इस तरह का फाइंड हो जाएगा। देखिए, ये आप कैसे जानोगे कि आपका ही स्टूडेंट आईडी है, जैसे बहुत सा नाम सर्च करने पर बहुत सा आपको स्टूडेंट आईडी मिलेंगे। जैसे मैंने आपको नाम यहाँ सर्च कर देता हूँ, ठीक है, नाम अगर मैंने बबलू कुमार यहाँ दिया और तब सर्च किया तो बहुत सारे नाम देखिए दाल सारे, लेकिन ये मेरा आईडी नहीं है। अब कैसे जानेंगे, तो जो भी आपका वार लेटर मिला है उस पर EGC रेफरेंस नंबर दिए होंगे, आईडी दिए होंगे, उससे आपको इसको मैच करना। अगर इससे आपका मैच हो रहा है, मीन्स आपका स्टूडेंट आईडी है, और जब रिलीज होती है स्टार्टिंग टाइम में, तो आपका यूनिवर्सिटी नाम में भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, क्योंकि ये रजिस्टर होने के बाद आपका कॉलेज से नेक्जर फॉर्म जब क्लेम करोगे तब वहाँ नाम शो होते हैं। ये आपका नाम और स्टूडेंट आईडी मैंडेटरी है शो होना। अब जैसे अगर सपोज डेट किन्हीं भी, जैसे NFSC NFOBC मेन के लिए आ चुके हैं, तो इस पर क्या कीजिएगा, सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते ही टू ऑप्शन ऑलरेडी फिल होंगे, ठीक है, आपका स्कीम कौन सा है, स्टूडेंट आईडी कौन सा है, और अपने हिसाब से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो कि फॉर्म फिल करने वाला डेटा इंटर किए थे, या आपका अवार्ड पर सर्टिफिकेट जो मिले अवार्ड लेटर उन पर हैं वो डालिएगा, और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिएगा, ठीक है। जब रजिस्टर करोगे तो आपके जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर डाला उस पर आपको एक OTP मैसेज आएगा, और उस पर एक पासपोर्ट की तरह जाता है, ठीक है। जब उसके हिसाब आने के बाद यहाँ से लॉगिन करोगे या साइन इन करोगे, तो वहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी है वो एक बार देख कन्फर्म करके आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वो करना पड़ता है। तो आप इस तरह आप फाइनली आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी कैटेगरी के लिए सेम प्रोसेस है। और न्यू जून सेशन का जो हुआ था, जिनके बाद में कुछ लोगों का मतलब अवार्ड ले रहा था, उनके लिए स्टूडेंट आईडी रिलीज कर गई है। मैं अगेन बोल देता हूँ, अभी जो न्यू रिजल्ट आए हैं EGC नेट JRF के लिए, उनके लिए अभी नहीं आए। वो रिजल्ट के बाद कुछ प्रोसेस होती है, 15 डेज आपको रिजल्ट आने के बाद अवार्ड लेटर आते हैं, उनके बाद लिस्ट आती है, और लिस्ट के बाद स्टूडेंट आईडी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी अपना फाइंड कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं और पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने डाला हुआ हूँ कि आप क्लेम कैसे करोगे फॉर अदर, और भी डिटेल मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अभी मैं ये करेंट बता रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाया हूँ। सो वीडियो पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।